डोक डुक डोक डोक डुक वाली आवाज रॉयल इनफील्ड से अब नहीं आएगी क्योंकि रॉयल इनफील्ड की तरफ से पहली इलेक्ट्रिक बाइक रिवील हो चुकी है इस बाइक को बनाया तो रॉयल इनफील्ड ने ही है पर ये रॉयल इनफील्ड के नाम से बिकेगी नहीं और उसकी वजह ये है कि इसके लिए रॉयल इनफील्ड ने अलग से डेडिकेटेड वेंचर सेटअप किया है जिसका नाम है फ्लाइंग फ्ली और फ्लाइंग फ्ली के अंडर में इस बाइक को रिवील करा गया है और इस बाइक का नाम है सी सिक्स अब ऐसा क्यों करा गया है ये मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगा पर पहले हम इस बाइक की पूरी कुंडली निकाल लेते हैं कि इस बाइक के अंदर आखिर है क्या क्या सो so, आशियों को मेरा सलाम और दिल टूटा बाइक चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है सबसे पहले बात कर लेते हैं डिजाइन की ये बाइक एक बहुत स्लिम ट्रिम बाइक है और बहुत ही पतले टायर्स दिए हुए हैं इस बाइक के अंदर वो इसलिए क्योंकि रॉयल इनफील्ड ने से एक बहुत ही अलग माइंडसेट से बनाया है इस बाइक के अंदर आगे फ्रंट में जो आपको एक अजीब सा सस्पेंशन दिख रहा है बेसिकली इसे गेर्डर फॉक्स कहते हैं और ये पहले के जमाने में चलता था ये मजबूत भी होता है और ये झटकों पे भी अच्छे से काम करता है इस बाइक में राउंड एलईडी हेडलाइट और टेल लाइट दी है जो इसे एक रेट्रो लुक देती है और इंडिकेटर भी राउंड शेप के ही हैं। इसके अलावा इस बाइक में दोनों टायर सत्रह इंच के हैं और अलॉय व्हील्स हैं। फ्रंट और रियर दोनों जगह आपको डिस्क ब्रेक मिलेगा क्योंकि ये एक ईवी है इसलिए दोनों ब्रेक्स आपको हैंडल पे ही दिए हुए हैं नीचे दोनों साइड बस फुटरेस्ट है इस बाइक के अंदर सर्कुलर कलर टच स्क्रीन टी टी

फ्लाइंग फ्ली सी सिक्स के अंदर आपको पी एम मिड ड्राइव मोटर मिलेगी जो बेल्ट के सारे टायर से कनेक्ट होगी और इस गाड़ी के अंदर पांच मोड्स होंगे जैसे कि सिटी परफॉर्मेंस रिवर्स मोड इस बाइक के अंदर रीजनरेटरी ब्रेकिंग क्रूज कंट्रोल ट्रैक्शन कंट्रोल और कॉर्नरिंग ए जैसे एडवांस फीचर्स भी होंगे सबसे खास बात यह है कि रॉयल इनफील्ड ने डेडिकेटेड व्हीकल कंट्रोल यूनिट सेटअप करा है इस बाइक के लिए जो दो लाख से ज्यादा डिफरेंट राइडिंग मोड कॉम्बिनेशन को लगातार मॉनिटर करता है जिससे आपको ज्यादा माइलेज मिलता है और राइडिंग में भी अच्छा फील आएगा रॉयल इनफील्ड ने इवेंट में बताया कि वो पिछले सात आठ साल से इलेक्ट्रिक बाइक्स के ऊपर काम कर रहे हैं और उनकी यूके और इंडियन टीम के अंदर दो से ज्यादा इंजीनियर्स है तो इससे ये चीज समझ आती है कि रॉयल इनफील्ड इलेक्ट्रिक बाइक्स को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है और आने वाले टाइम में वो और ज्यादा इलेक्ट्रिक बाइक मार्केट में लॉन्च करेगा अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इलेक्ट्रिक बाइक है ना तो बैटरी के बारे में बताया ना ही रेंज के बारे में तो भाई ऐसा कुछ रॉयल एनफील्ड ने इवेंट में बताया ही नहीं है इस बाइक का क्या प्राइस होगा इसे भी क्लियर नहीं करा है बस इतना बताया है कि 2026 से आप इस बाइक को परचेज कर पाओगे और सिर्फ एक ही बाइक नहीं होगी C6 के अलावा एक और बाइक होगी जिसका नाम होगा S6 सिक्स ये एक डुबल पर्पज बाइक होगी जिसे आप ऑन और ऑफ रोड दोनों ही पर्पज के लिए यूज कर पाओगे इस बाइक के अंदर अप डाउन सस्पेंशन होंगे स्पोक व्हील्स होंगे और एंड स्टाइल सीट होगी इसके अलावा इवेंट में रॉयल इनफील्ड ने अपनी टेस्ट बेट इलेक्ट्रिक हिमालयन भी शोकेस करी जो वो पहले के इवेंट में भी दिखा चुके हैं पर ये बाइक को वो मार्केट में लॉन्च नहीं करेंगे ये सिर्फ एक इलेक्ट्रिक टेस्टिंग प्रोटोटाइप है ओवरऑल देखें तो इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल कैटेगरी में इंटर होने का ये सबसे सही टाइम है क्यूँकी किसी भी बड़े प्लेयर ने अभी एंट्री नहीं ली है और रॉयल इनफील्ड की नजर उसी सेगमेंट के ऊपर है जो एक और एक सीरीज सेगमेंट का कस्टमर है अब सवाल ये आता है की रॉयल इनफील्ड ने

और इस बाइक का प्राइस कितना होगा तो भाई इसके बारे में कंपनी ने कोई भी डिटेल्स अभी नहीं बताई है पर रॉयल इनफील्ड का कहना यह है कि ऑप्शन भी दे सकता है बड़ा चार्जर देके तो भाई रॉयल एनफील्ड ने C6 के बारे में बस इतनी ही डिटेल अभी रिवील करी है और कुछ भी मार्केट में नहीं बताया है इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऐसे ही वीडियोस के लिए आप दिल टूटो बाइकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए